हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा। दोस्तों, मेरे पास एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि पॉन्स बीबी क्रीम के कितने शेड आते हैं या फिर किन किन शेड्स में ये बीबी क्रीम अवेलेबल है। पहले कुछ और नाम से आते थे बट अभी करंटली कोई और नाम से आते हैं। तो पहले पॉन्स बीबी क्रीम के जो शेड आते थे वो लाइट और मीडियम शेड के नाम से आते थे, ठीक है। लाइट शेड जो है वो थोड़ा ब्राइटर टोन के लिए था और मीडियम टोन जो है वो डार्कर टोन के लिए था। बट अभी इनके नाम चेंज कर दिए गए हैं, विच इज पॉन्स बीबी प्लस क्रीम आइवरी एंड दूसरा है नेचुरल। और ये स्किन पर कैसे दिखते हैं? नेचुरल जो है ये है थोड़ा सा मीडियम टू डार्कर टोन के लिए, एंड ये जो है आइवरी है ब्राइट एंड थोड़ा सा एक टोन, जैसे आप मेरा स्किन देख रहे हैं इससे और ज्यादा ब्राइटर टोन के लिए है। ये एक लाइट मेकअप प्रोडक्ट है जो कि इंस्टेंट ग्लो देता है, स्पॉट कवर करता है और स्किन जो है वो इवन और ब्राइट कंसील दिखती है। बीबी क्रीम वैसे तो मार्केट में काफी अवेलेबल है बट पॉन्स की बीबी क्रीम बहुत सस्ती है और हर जगह मिल जाती है, और अब इसकी पैकेजिंग न्यू हो गई है, ये चेंज हो गई है। तो चलिए इसके बारे में बताऊं आपको। ये विटामिन इनरिच क्रीम है जो कि लाइट वेट फाउंडेशन के मिक्सचर के साथ में आती है, और ये चीज ये यहां पर मेंशन भी करते हैं। मैं आपको अपनी स्किन पे दिखाऊंगी, और मैंने करंटली ये जो मेकअप किया है ये पॉन्स बीबी से ही किया हुआ है। 30 ग्राम प्रोडक्ट क्वांटिटी आपको मिलती है 275 रुपीज की, 18 ग्राम प्रोडक्ट क्वांटिटी है ये आपको मिलती है 160 रुपीज की। तो आप प्राइस के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा साइज ले सकते हो, विच इज नाइस, क्योंकि अगर टीनेजर्स का बजट कम है तो कम पैसे में भी आप पॉन्स बीबी खरीद सकते हैं। एसपीएफ 30 PA++, यानी कि इसमें एक सनस्क्रीन की गुडनेस भी है, तो ये डे टाइम में आपको सन प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराती है। और देखिए इसमें शेड्स यहां पर भी दिए गए हैं कि आइवरी एंड नेचुरल दोनों शेड्स जो है वो ब्यूटिफुल टू शेड्स हैं जो कि इंडियन स्किन पे जाते हैं, बट इंडियन स्किन में काफी ह्यूज टोन है स्किन के भी, तो उतनी वैरायटी इसमें नहीं है जितनी होनी चाहिए। लाइक इसमें एक डार्क टोन होना चाहिए और इसमें एक मीडियम टू येलो बेस जो एक स्किन टोन होती है, लाइक गेहुआ कलर जो होता है वो होना चाहिए, बट उसके लिए यहां पर नेचुरल शेड जो है इन्होंने प्रोवाइड कराया है। ये दो शेड्स में आती है करंटली, अभी इसके अलावा और कोई शेड्स पॉन्स बीबी में नहीं आते हैं। पॉन्स बीबी क्रीम जब भी आप चेहरे पे लगाएं तो साफ चेहरे पे लगाएं। अगर अच्छा होगा आप स्किन केयर कर लो, जैसे कि फेस वॉश करने के बाद में आप अच्छा सा टोनर लगा लो और उसके बाद आप इसे अप्लाई करो। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगा लीजिए, अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो एकदम ओके है आपके लिए, बिकॉज ये स्किन को मॉइस्चराइज भी करती है। आपकी स्किन ऑयली है तो आप थोड़ा सा जो है मेकअप के प्रोडक्ट को अवॉइड ही करिए, बाकी ये जो है स्किन को ऑयल लुक नहीं देती है ऑयली, एंड ये डार्क स्पॉट और डार्क सर्कल्स को कवर करती है, ग्लो देती है, लाइट वेट है, ऑल स्किन टाइप है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, दिस इज नाइस क्रीम। बिना बातें करते हुए चलिए फटाफट से मैं आपको इसका डेमो दिखाती हूं कि ये जो है क्रीम किस तरीके से आपकी स्किन पर मैच करती है। मैं आपको बता दूं कि जब आप बड़ी पैकेजिंग लेते हो 30 ग्राम वाली तो वो कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आती है, और आप अगर मीडियम पैकेजिंग लेते हो तो ये इस तरीके की पैकेजिंग में आती है, और इससे छोटी वाली पैकेजिंग इतनी बड़ी आती है। पैकेजिंग आपको तीनों की ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग मिलेगी, आराम से आप इसे कैरी कर सकते हो। ये बिल्कुल भी कांच की पैकेजिंग नहीं है, हैवी पैकेजिंग नहीं है, लाइट वेट है, इट्स नाइस। तो ये है पॉन्स की बीबी प्लस क्रीम जिसमें शेड आप देख रहे हैं आइवरी एंड नेचुरल, और ये इंस्टेंट स्पॉट कवरेज देती है लाइट मेकअप ग्लो के लिए। विटामिन इनरिच्ड क्रीम है, लाइट वेट फाउंडेशन वाला फॉर्मूला है इसका, और इसमें एसपीएफ 30 PA++ है जो कि आपको सन प्रोटेक्शन देती है। यहां पर जो है ये 30 ग्राम प्रोडक्ट क्वांटिटी आप देख रहे हैं, एंड ये जो बीबी क्रीम है कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आती है, और इसका जो ये मीडियम साइज है नेचुरल में मुझे यही मिला था, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसी सी पैकेजिंग में आती है लाइट मेकअप के लिए, और नेचुरल वाला जो शेड है थोड़ा सा डार्कर है। मैं आपको अपनी स्किन पर भी अच्छे से भी दिखाने वाली हूँ, उससे पहले आपको सारी यहां पर डिटेल बता दूं कि शेड्स जो है वो दो आते हैं इसमें, सिर्फ दो शेड आते हैं, ये लेटेस्ट न्यू शेड्स हैं। और यहां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वार्निंग भी मेंशन की गई है कि आपकी स्किन पे कोई इरिटेशन हो उसके लिए आप डर्मेट्स को दिखाएं, डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखिए और पैच टेस्ट जरूर करें, एंड
ज्यादा अगर आप धूप में रहते हैं तो आप सनस्क्रीन जरूर लगाइए। इसकी तमाम डिटेल देख लीजिए, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं और ये किस तरीके से स्किन पे काम करती है। एंड यहाँ पर सारे के सारे इंग्रेडिएंट जो कि है शेड आइवरी के, यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंग्रेडिएंट में चेंज दिख सकता है, या फिर आप जो है ये कह सकते हैं कि शेड की वजह से आपको अंतर दिख रहा होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा शेड्स दिखा देती हूँ ओपन करके। इसको ट्रैवल में कैरी करना बहुत आसान है, बीबी क्रीम को लड़के भी लगा सकते हैं। वेल ये 275 रुपीज़ एमआरपी के साथ आती है और ये 160, क्योंकि साइज में अंतर है। मैंने जो है क्वांटिटी इसकी जो है कम ली है, जो कि आती है यहाँ पर आप देख रहे हैं 18 ग्राम प्रोडक्ट क्वांटिटी है ये। फर्स्ट वाला जो है ये आइवरी शेड है, थोड़ा सा डार्क टोन जो है ये आप देख रहे हैं, ये पॉन्स का नेचुरल शेड है जो कि मीडियम टू डार्क के लिए है। बट दोनों ही शेड इंडियन स्किन टोन पे काफ़ी सही तरीके से जाते हैं, तो बहुत ही ब्यूटीफुल और अफोर्डेबल बीबी क्रीम है। प्रोडक्ट मैंने टैग कर दिया है, परचेज कर लीजिएगा। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाने वाली हूं कि पॉन्स बीबी प्लस क्रीम में जो दो शेड हैं, जो न्यूली दो शेड हैं, और यही दो शेड आपको मिलेंगे, एंड ये है आइवरी एंड नेचुरल। मेरे पास बहुत सारा कमेंट आया है कि क्या ये डिफरेंट डिफरेंट शेड्स में आती है कि नहीं, तो मुझे ये दो शेड्स मेरे पास हैं, यहां पर मैं आपको दिखा रही हूं, एंड मैंने प्रोडक्ट टैग कर दिया है, आप परचेज कर लीजिएगा। तो पॉन्स बीबी प्लस का कौन सा शेड मेरी स्किन पे ज्यादा बेटर तरीके से जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसका अप्लाई करेंगे कि थोड़ा सा टेस्ट करके देखेंगे कि क्या ये स्किन टोन से मैच कर रही है एग्जैक्ट, और उसके बाद वही शेड मैं अपने इंटायर फेस पे आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले यहां पर है, दिस इज द शेड आइवरी, और इसमें मुझे मेरे पास छोटी एंड बड़ी पैकेजिंग है जो कि आप देख रहे हो। तो सबसे पहले मैं यहां पर ले रही हूं पॉन्स का आइवरी शेड जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल पैकेजिंग में आता है, एंड दिस इज बीबी क्रीम। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको हाथ पर भी दिखा देती हूँ शेड, ये देखिए, ठीक है, और फेस पर भी। तो ये शेड जो आप देख रहे हैं दिस इज आइवरी शेड, ओके। एंड इसका जो दूसरा शेड है ये है पॉन्स बीबी प्लस नेचुरल, और नेचुरल शेड जो है थोड़ा सा मुझे लग रहा है हल्का सा मीडियम टू डार्कर शेड है। और तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट थोड़ा ज्यादा मात्रा में निकाला है ताकि मैं आपको इसका टेक्सचर समझा सकूं और इसको आप इजीली समझ सकें, एंड फॉर्मूला इसका काफी अमेजिंग है। और ये देखिए यहां पर, दिस इज द शेड नेचुरल। तो नेचुरल जो है अगर मैं उसे अप्लाई करती हूं तो मेरी स्किन थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी एक टोन ब्राइटर है नेचुरल से, और अगर मैं अप्लाई करती हूँ आइवरी तो ये करेक्ट शेड है मेरा, बिकॉज ये ऑक्सीडाइज भी नहीं होगा। ठीक है, तो मैं अपने स्किन पर अप्लाई करने वाली हूँ शेड नंबर आइवरी, एंड वो मैं यहाँ जस्ट थोड़ा सा डॉट 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 करके आपको लगा करके दिखा रही हूं। एंड आपको एक चीज बता दूं, आप इसको ना ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हो, बट उसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट थोड़ा सा ज्यादा खर्च हो जाता है, और ब्यूटी ब्लेंडर थोड़ा तो सोख ही लेते हैं प्रोडक्ट्स को। एंड ये जो साउंड आप देख रहे हैं ये धनश्री का है। इस बीबी क्रीम से आपको एक अच्छी कवरेज भी मिलती है, आप देख रहे हैं शेड आइवरी मेरी स्किन पर बहुत अच्छे से जा रहा है, एंड क्योंकि ये सन प्रोटेक्शन भी देता है और ये एक हेल्दी ग्लो देती है स्किन में, कॉम्प्लेक्शन को इवन करती है। ऑल स्किन टाइप बीबी क्रीम है, इनफैक्ट ये डार्क स्पॉट और डार्क सर्कल्स को और जो रेडनेस होती है स्किन में उसको भी बहुत अच्छे से इवन एंड ब्राइट करती है स्किन को, जैसा कि आप देख रहे हो। तो देख रहे हैं ये शेड मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर शेड टेक्सचर दिखाने के लिए लगाया है, एंड मैं अपने हाफ फेस पर अप्लाई करने वाली हूं शेड नंबर नेचुरल, और ये देखेंगे कि आपको ना स्किन पे एकदम क्लियर अंतर समझ आ जाएगा, क्योंकि जो नेचुरल शेड है ये किस तरीके से स्किन को मतलब सूट कर रहा है, कितना मैच कर रहा है आप क्लियरली देख लो, टेक्सचर भी आपको समझ आ जाएगा। और ये जो शेड नेचुरल है ये थोड़ा सा पीलापन इससे मेरी त्वचा में आ सकता है, और ये स्किन जो है वो ऑक्सीडाइज दिख सकती है, इसलिए आप क्लियरली दोनों तरफ अंतर देख सकते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि आप अपना करेक्ट शेड चुनें, और मैंने आपको ज्यादा इसलिए लगा करके दिखाया है ताकि आपको टेक्सचर समझ में आ सके। एकदम फाउंडेशन वाला लुक ये क्रीम देती है। मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करके आपको दिखा देती हूँ।
दोनों ही शेड्स को मैं आपको ब्लेंडर से ब्लेंड करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले शेड है आइवरी, और ये जो है बहुत ब्यूटीफुल तरीके से सीमलेसली ब्लेंड हो जाती है। और आपको पता है आपको बिल्कुल भी हैवी मेकअप की ज़रूरत नहीं है, जस्ट लाइट मेकअप एंड स्पेशल लुक के लिए, नो मेकअप मेकअप लुक के लिए ये बीबी क्रीम ट्राई कर सकते हैं। और इसमें ग्लिसरिन है, विटामिन B3 है जो स्किन को इवन एंड ब्राइट करती है, मॉइस्चराइज करती है, और SPF 30 PA डबल प्लस UVA रेस से प्रोटेक्शन देता है। और आप देख रहे हैं मेरी स्किन एकदम से ट्रांसफॉर्म हो गई है। आप देख रहे हैं ये साइड डार्क है और ये साइड एकदम परफेक्ट मैच है। तो मेरा शेड है पॉन्स बीबी में आइवरी, जो कि मैं अभी एंटायर फेस पे अप्लाई करने वाली हूँ। इसको रिमूव करने के बाद इसको आप मेकअप रिमूवर वाइप से या कॉटन से इजिली रिमूव कर सकते हैं। तो रोजाना के लिए मैं अप्लाई करती हूँ इस तरीके से। पॉन्स बीबी प्लस आइवरी शेड है, लाइट मेकअप ग्लो देता है, इंस्टेंट स्पॉट्स को कवर कर देती है और सन प्रोटेक्शन भी देती है। थोड़ा सा लेकर के फिंगर से इजीली ब्लेंड कर लें, और आपको पता है आप साफ फेस पे अप्लाई करिएगा इसको और फिंगर टिप से इस तरीके से फ्लॉलेस फिनिश के लिए। और ब्यूटिफुल 2 shades में अवेलेबल है, तो आप अपने स्किन टोन से करेक्ट मैच करते हुए इसको यूज कर सकते हैं। और एकदम सेकेंड स्किन लगती है, अल्ट्रा लाइट वेट है, हेल्दी ग्लो देती है, स्किन परफेक्टिंग मिनरल्स के साथ में आती है। तो ऑल स्किन टाइप पॉन्स की बीबी प्लस नो मेकअप मेकअप लुक के लिए ये बहुत सही है। और इससे आप हैवी मेकअप भी कर सकते हैं दोस्तों, और इससे आप स्पेशल मेकअप भी कर सकते हो। तो अगर आप पॉन्स बीबी इस्तेमाल करना चाहते हैं बिल्कुल परचेज कर सकते हैं, मैंने प्रोडक्ट टैग कर दिया है, ले लीजिएगा। और इसको आप अपने रोजाना के मेकअप लुक के लिए, नाइट मेकअप लुक के लिए, पार्टी के लिए, एवरीडे के लिए जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉन्स की बीबी क्रीम जो है बिल्कुल ऑक्सीडाइज नहीं होती अगर आप इसका करेक्ट शेड अपनी स्किन पे लगा रहे हो, और आफ्टर 6 to 8 hours आपको रीअप्लाई करने की जरूरत लग सकती है। आप इसे अगर पाउडर से सेट कर लेते हो तो बहुत अच्छा लुक देगी, आप विदाउट पाउडर भी छोड़ते हो तो भी आपकी स्किन ग्लो करेगी, इवन रहेगी, स्पॉट्स को कवर करती है। हाथ से अप्लाई करेंगे तो ज्यादा प्रोडक्ट अच्छे से लग जाता है, ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई करेंगे तो आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा ब्यूटी ब्लेंडर सोख लेता है, थोड़ा जो उसमें मॉइस्चराइज वाले गुण जो होते हैं वो ब्लेंडर में चले जाते हैं। तो इसलिए आप जस्ट फिंगर से ही अप्लाई कर सकते हो, कोई टूल की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से इससे मेकअप होता है। एंड रोजाना के लिए आई थिंक ये परफेक्ट बीबी क्रीम है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। और अगर आप लाइक इस तरीके से हाथ लगा रहे हो तो थोड़ी बहुत ये स्किन पे ट्रांसफर तब होगी जब आप इसे अप्लाई करोगे, सेट होने के बाद ये बिल्कुल ट्रांसफर नहीं होती है। सो इट्स वेरी नाइस क्रीम, सो थैंक यू सो मच। और पॉन्स बीबी से मैंने काफी सारे मेकअप लुक शेयर किए हैं, वो जरूर से आप चेक कर लीजिएगा। बाय दोस्तों, और मैंने प्रोडक्ट टैग कर दिया है, आप परचेज कर लेना।